गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू सेफ एट होम। आई एम ऑल्सो फाइन। आज हम लोग क्लास सिक्स के चैप्टर वन पढ़ेंगे, जो कंप्यूटर का है। सब्जेक्ट कंप्यूटर है, मोर ऑन एमएस विंडोज 10। आज हम लोग एमएस विंडोज 10 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले बुक में हम लोग विंडोज 8.1 के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग एमएस विंडोज 10 के बारे में पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। इंट्रोडक्शन। सो फार विंडोज 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 10 जो है अब तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट इज़ वन ऑफ द मस्ट एडवांस्ड एंड मस्ट यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल। यह एक बहुत ही एडवांस्ड और यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। इट हैज़ ए लॉट ऑफ फीचर्स टू एड द यूजर्स एंड मेक देयर लाइफ ईजियर। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स को ऐड किया गया है जिससे यूजर्स को काफ़ी सहायता मिलती है और काफ़ी लाइफ हमारा आसान हो जाता है। Microsoft has also paid close attention to the security, as this version has the best security features compared to its predecessors. Microsoft ने जो है इस वर्जन में सिक्योरिटी पे काफ़ी ध्यान दिया है। जो पहले जो इसके जो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे उनके कंपेयर ले अगर बात करें तो इसमें सिक्योरिटी बहुत ही हाई है और बहुत ही इस पर ध्यान दिया गया है। इट हैज़ सम अमेजिंग फीचर्स। इसके पास कुछ ऐसे फीचर्स जो है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग है, दैट इज़ हेल्पिंग इट टू बिकम मोर पॉपुलर डे बाई डे। इसलिए इसको अभी डे बाई डे काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है विंडोज 10। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट सम इट्स फीचर्स। आप पिछले क्लास में विंडोज 10 के बारे में थोड़ा कुछ फीचर्स के बारे में पढ़े थे। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर फीचर्स इन डिटेल। इस क्लास में हम लोग इसके फीचर्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। न्यू फीचर्स ऑफ विंडोज 10। बेटर यूजिबिलिटी। विंडोज 10 इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड यूजर फ्रेंडली। विंडोज 10 जो है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और यूजर फ्रेंडली है। इट हैज़ सम यूनिक फीचर्स that helps the users to get the best out of it. इसके पास कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो अब तक का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आया था उन सब में इसको बेहतर बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्चुअल डेस्कटॉप फीचर्स अलाउज द यूजर्स टू क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप इन वन ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे इंटरेस्टिंग जो और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स इसके हैं वर्चुअल डेस्कटॉप का, जो हमें अलाउ करता है एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में हम मल्टीपल डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फीचर इसका है और सबसे इंटरेस्टिंग है। एट नो कॉस्ट, बिना कोई कॉस्ट के, यूजर्स कैन आल्सो पर्सनलाइज देयर ऑपरेटिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज़। यूजर जो हैं वो अपने ज़रूरत के अनुसार इस ऑपरेटिंग सिस्टम को पर्सनलाइज कर सकते हैं। कॉन्टीनम, इसमें एक ऐसा फीचर आया है जो कॉन्टीनम है, इसका नेम है और इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस फीचर्स अलाउज द विंडोज टू बी यूज टू डिवाइस द दैट सपोर्ट माउस कीबोर्ड एंड ए टच इनपुट। एक ये फीचर जो है ये फीचर जो है कंटिन्यूम, ये विंडोज़ को अलाउ करता है माउस कीबोर्ड और टच इनपुट को सपोर्ट करता है। इट लेट्स द यूजर टू यूज द डिवाइस विदाउट द नीड ऑफ ए माउस और ए कीबोर्ड एज इन टैबलेट मोड। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो फीचर्स है कॉन्टीनम, ये यूजर्स चाहे तो बिना माउस और कीबोर्ड के भी इसको इस्तेमाल कर सकता है एज इन टैबलेट मोड।
वो टैबलेट मोड में, यानी कि फैसिलिटीज़ में दिया गया है। जब इसको हम टैबलेट मोड में करते हैं तो हमारे पास अगर माउस नहीं है और कीबोर्ड नहीं है तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। When the user need to use the device without a mouse or keyboard, the user can follow this step. जब यूजर्स को ऐसा ज़रूरत हो कि जब वो बिना माउस और बिना कीबोर्ड का चलाना चाहे तो इस जो स्टेप है उसको फॉलो करना होगा। स्टेप वन में है क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन आइकॉन इन द सिस्टम ट्रे, द फॉलोइंग विंडोज अपीयर्स। राइट साइड में नोटिफिकेशंस होता है जहाँ पे हम क्लिक करेंगे सिस्टम ट्रे में जो होता है, और वहाँ पर एक सामने जो विंडोज अपीयर होगा। अब स्टेप टू में क्लिक ऑन द टैबलेट मोड, वहाँ पर एक टैबलेट मोड दिया होगा उस पर हम क्लिक कर देंगे बटन टू इंटर इन टू द टैबलेट मोड ऑफ द विंडोज, वहाँ पर हम टैबलेट मोड में इसको क्लिक कर देंगे। इन द टैबलेट मोड द डेस्कटॉप इज रिप्लेस्ड बाई ए फुल स्क्रीन स्टार्ट मेनू। जब टैबलेट मोड में हम डालेंगे तो डेस्कटॉप जो है ये फुल स्क्रीन में रिप्लेस हो जाएगा, स्टार्ट मेनू जो इसका है वो फुल स्क्रीन में आएगा। द टास्क बार आइकॉन्स आर रिमूव्ड एंड ओनली द एसेंशियल आइटम्स आर लेफ्ट ऑन द स्क्रीन। और टास्क बार जो नीचे जो आता है वो भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और जो भी हमारे एसेंशियल्स जो आइटम्स है वो हमारे स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जस्ट लाइक ए टैबलेट, सेम टैबलेट के जैसा। विंडोज 10 ऑटोमेटिकली इंटर्स इनटू दिस मोड इफ़ नो कीबोर्ड इज अटैच्ड टू द सिस्टम। और सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज़ है विंडोज 10 के साथ, जब हम कीबोर्ड इसके साथ अटैच नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसी मोड में वो चला जाता है। टास्क व्यू, दिस फीचर्स अलाउज यू टू क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप टू ऑर्गेनाइज मेनी एप्लीकेशंस रनिंग ऑन योर कंप्यूटर। ये टास्क व्यू जो फीचर्स है ये हमें अलाउ करता है मल्टीपल डेस्कटॉप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसे मान लो कि हमने दो तीन एप्लीकेशन वहाँ पे ओपन किए हैं तो टास्क व्यू के हेल्प से हम उसे वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यू कैन क्लिक ऑन द टास्क व्यू बटन, हम टास्क व्यू बटन पे क्लिक करेंगे। ये कहाँ होता है, लोकेटेड नेक्स्ट टू द कोर्टाना सर्च बार टू व्यू ऑल द एप्लीकेशन ओपन ऑन द सिस्टम। जो कोर्टाना जो सर्च नीचे होता है टास्क बार में उसी के बगल में ये होता है जहाँ पे हम जो भी एप्लीकेशन खोले होते हैं वो वहाँ पे दिखाई देता है। तो वहाँ पे टास्क भी होता है, उस पर क्लिक कर देते हैं तो हम सारे एप्लीकेशन को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब बात करें कोर्टाना की, कोर्टाना क्या है, एक न्यू फीचर इसमें डाला गया है। दिस फीचर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द हैंड हेल्ड डिवाइस दैट यूजर्स विंडोज ओएस। इस फीचर्स का इस्तेमाल पहली बार हम हैंड हेल्ड डिवाइस में किया गया है विंडोज ओएस में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेटर दिस फीचर्स वाज एडेड टू विंडोज 10, उसके बाद इस फीचर्स को विंडोज 10 में ऐड किया गया है। कोर्टाना कैन हेल्प्स द यूजर टू कंप्लीट सर्टेन टास्क विदाउट इवन टचिंग द कीबोर्ड। कोर्टाना ये ऐसा फैसिलिटी दिया है कि हम अपने टास्क को बिना कंप्यूटर को टच किए हुए, बिना स्क्रीन को टच किए हुए अपने टास्क को हम कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेटिंग ए रिमाइंडर, अलार्म क्लॉक, सेंडिंग एन ईमेल, रीडिंग ईमेल, रिसीव ईमेल, etc. इट आल्सो सर्व एज ए पावरफुल सर्च टूल। यानी कि इस पे बिना हम टच किए हुए ये सारे फैसिलिटी को हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इट आल्सो सर्व एज ए पावरफुल सर्च टूल, और ये आपको पावरफुल सर्च टूल का भी ये सेवा देता है। बाय डिफ़ॉल्ट कोर्टाना इज एसेसिबल टू द यूजर, बट इन केस इफ इट इज़ नॉट, वी कैन टू डिस्प्ले कोर्टाना बाय फॉलोइंग दिस स्टेप। बाय डिफ़ॉल्ट ये तो आपको कोर्टाना एसेसिबल रहता है, बाय द वे आपको अगर नहीं दिखाई दे तो आप उसे कैसे लाएंगे, उस पर हम स्टेप बताते हैं। स्टेप वन, राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया ऑफ द टास्क बार। टास्क बार में कहीं भी जहाँ पे कुछ कोई एप्लीकेशन अगर नहीं हो वहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, पॉपअप मेनू अपीयर्स, वहाँ पे एक पॉपअप मेनू आ जाएगा। स्टेप टू में क्लिक ऑन द कोर्टाना ऑप्शन, उसके बाद वहाँ पे आपको कोर्टाना ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। और सब मेनू अपीयर्स, वहाँ पे एक सब मेनू अपीयर्स होगा। स्टेप थ्री, क्लिक ऑन द शो कोर्टाना आइकॉन्स, उसके बाद उस सब मेनू में शो कोर्टाना आइकॉन्स पर हम क्लिक कर देंगे या शो सर्च बॉक्स ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने कोर्टाना जो है वो नीचे अपना शो करने लगेगा।
नाउ इट इज़ विजिबल ऑन द टास्क बार एज पर योर सिलेक्शन। उसके बाद आपको टास्क बार में ये दिखने लगेगा। माइक्रोसॉफ्ट एज, इट इज़ ए न्यू ब्राउजर एडेड टू विंडोज 10। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 10 में ये एक न्यू ब्राउजर डाला गया है। इट हैज़ बीन ऑप्टिमाइज टू बी सेफर देन द प्रीवियसली अवेलेबल ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर। जो पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था जो विंडोज 8.1 के साथ आता था या उसके पहले जो वर्जन था उसके साथ आता था, उससे ये बहुत ही सिक्योर है और सेफर है। इट ऑल्सो हैज़ सम एडिशनल फीचर्स लाइक द रीडिंग मोड विच मेक्स द रीडिंग मोर कम्फर्टेबल बाई रिमूविंग एडवर्ट्स एंड अदर डिस्ट्रैक्शंस। इसमें एक ऐसे फैसिलिटी को ऐड किया गया है, ऐसे फीचर्स को ऐड किया गया है जहाँ पे इसमें रीडिंग मोड का ऑप्शन दिया गया है। और रीडिंग मोड ऑप्शन जो है आपको काफ़ी कंफर्टेबल करता है कोई चीज़ रीड करने में, और यहाँ पर जो एड्स आते हैं उसको रिमूव करने का भी यहाँ पर फैसिलिटी दिया गया है। और हमें मतलब कोई भी यहाँ पे हमें डिस्टर्बेंस नहीं हो पाएगा, इसमें ऐसा सा फैसिलिटी दिया गया है। इट ऑल्सो इंटीग्रेट्स क्रोटाना, इसमें ऑलरेडी क्रोटाना भी इंटीग्रेट्स है। मीन्स यू कैन नाउ मेक यूज़ ऑफ क्रोटाना टू कंडक्ट वॉयस सर्च, यानी कि क्रोटाना के यूज़ से आप वहाँ पे कोई भी वॉयस सर्च कर सकते हैं। है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब तक का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आया है उस सब में सबसे इंटरेस्टिंग विंडोज 10 है। एक्शन सेंटर, विंडोज 10 प्रोवाइड्स ए न्यू एक्शन सेंटर एट द राइट साइड ऑफ द डेस्कटॉप। विंडोज 10 जो है ये नया एक्शन सेंटर को प्रोवाइड किया है राइट साइड में, डेस्कटॉप के जो राइट साइड में ये आपको एक्शन सेंटर दिखाई देगा। इट कंसिस्ट्स ऑफ ऐप नोटिफिकेशन एंड क्विक एक्शन बटन्स। इसमें आपको ऐप का नोटिफिकेशन और क्विक एक्शंस बटन आपको मिलेंगे इसमें। फ्रॉम हेयर यू कैन व्यू एंड मैनेज योर नोटिफिकेशंस। आप यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन है उसको व्यू कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। क्विक एक्शन बटन्स अलाउ यू टू एडजस्ट द स्क्रीन ब्राइटनेस, स्विच टू टैबलेट मोड, टर्निंग ब्लूटूथ ऑन एंड ऑफ, ओपनिंग विंडोज सेटिंग ETC। आप यहां से एक्शन सेंटर से जहां पे क्विक एक्शन से आप इसके सहायता से आप यहां पे स्क्रीन का ब्राइटनेस सेटअप कर सकते हैं, टैबलेट मोड में स्विच कर सकते हैं और ब्लूटूथ को ऑन ऑफ कर सकते हैं और सेटिंग भी यहां से आप ओपन कर सकते हैं। एक और फीचर्स है विंडोज़ हेलो। इट इज़ बायोमेट्रिक बेस्ड फीचर्स दैट अलाउज द यूजर्स टू ऑथेंटिकेट देमसेल्फ यूजिंग देयर फिंगरप्रिंट्स। एक ऐसा ये फीचर्स डाला गया है जो अब तक के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें ये नहीं था। ये बायोमेट्रिक बेस्ड फीचर्स है जहाँ पे आप यूजर को अलाउ करता है ऑथेंटिकेशन करने के लिए कि आप ही हो, यानी कि आप अपने फिंगरप्रिंट से अपने सिस्टम को ओपन कर सकते हैं, यानी दूसरा कोई भी चाहे आपके सिस्टम को ओपन करने के लिए तो नहीं खुल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो बायोमेट्रिक फीचर्स का इस्तेमाल आप करते हैं तो उसके हेल्प से आप ही उसे खोल पाइएगा, कोई और उसे नहीं खोल पाएगा। आइरिस स्कैन और फेशियल रिकॉग्निशन, यहाँ पे आइरिस स्कैन भी होता है जो आँख रेटिना को स्कैन करता है और आपके चेहरे से भी आप उसे कर सकते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड मोर यूज़र फ्रेंडली एंड सिक्योर्ड, इसलिए ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और काफ़ी सिक्योर्ड है ये। क्रिएटिंग ए न्यू डेस्कटॉप, यू कैन क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप टू मेक योर वर्क ईजियर। आप यहाँ पे मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए। यू कैन यूज़ मल्टीपल डेस्कटॉप टू मैनेज योर टास्क एफिशिएंटली। आप यहाँ मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं अपने काम को और आसान बनाने के लिए और मोर एफिशिएंटली काम करने के लिए। टू क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप फॉलो दिस स्टेप्स। कैसे हम मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट करेंगे उसके बारे में नीचे स्टेप में हम देख रहे हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द टास्क व्यू बटन ऑन द टास्क बार। सबसे पहले टास्क व्यू बटन पे हम टास्क बार में जो रहता है वहाँ पर क्लिक करेंगे। द टास्क व्यू पेन अपीयर्स, वहाँ पे टास्क व्यू पेन अपीयर्स हो जाएगा। क्लिक ऑन न्यू डेस्कटॉप, वहाँ पे न्यू डेस्कटॉप दिखाई देगा जहाँ पे क्लिक कर दीजिए। बटन ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडोज़, टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो है वहाँ पे न्यू डेस्कटॉप का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप उस पर क्लिक कर दीजिए।
A new desktop with the name desktop 2 is created and shown as thumbnails on the top of Windows. आपको वहाँ पर न्यू डेस्कटॉप जिसको जो जिसका नाम होगा डेस्कटॉप 2 के नाम से वहाँ पर क्रिएट होएगा और आपको टॉप ऑफ विंडो या विंडोज़ के सबसे ऊपर वो आपको थंबनेल फॉर्म में दिखाई देगा। यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं आप। मूविंग एप्स बिटवीन डेस्कटॉप, अब आप कैसे मूव करेंगे इस डेस्कटॉप से उस डेस्कटॉप में ऐप्स को, उसके बारे में पढ़ेंगे। टू मूव एप्स बिटवीन द डेस्कटॉप फॉलो दी स्टेप्स। स्टेप वन, ओपन द टास्क व्यू पेन। सबसे पहले हम टास्क व्यू पेन को ओपन करेंगे। प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर डेस्कटॉप, वहाँ पर माउस पॉइंटर को हम डेस्कटॉप के ऊपर ले जाएंगे। थंबनेल टू व्यू द एप्लीकेशन ओपन इन दैट डेस्कटॉप, वहाँ पे जो भी जो डेस्कटॉप हमारा था एप्लीकेशन वहाँ से हम ओपन देखेंगे उसको डेस्कटॉप में। स्टेप टू, राइट क्लिक ऑन द थंबनेल ऑफ द डिजायर एप्स टू बी मूव्ड एंड सिलेक्ट मूव टू ड्रॉप डाउन मेनू। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे थंबनेल फॉर्म में जो वहाँ पे जो भी हमारा डिजायर ऐप है, जो हम जिस ऐप को चाहते हैं हम मूव कराने के लिए, और वहाँ मूव टू ड्रॉप डाउन मेनू, वहाँ पे एक ड्रॉप मूव टू ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, उस पर हम ले जाएंगे। क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड डेस्कटॉप ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, वहाँ पे हमें जो भी रिक्वायर्ड ऑप्शन हमारे लिए हो जरूरत के अनुसार वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। नोट, यू कैन ऑल्सो ड्रैग एंड ड्रॉप द एप्लीकेशन टू द डिजायर डेस्कटॉप, आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप के यूज से भी आप मूव करा सकते हैं। जैसे इसमें जो एप्लीकेशन है उसमें ले जाना हो तो उस एप्लीकेशन पर लेफ्ट क्लिक दबाकर उस पर क्लिक कर देंगे और उसको ड्रैग कर देंगे और उस डेस्कटॉप पे हम ड्रॉप उस पर ड्रैग करके वहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। क्लोजिंग डेस्कटॉप, टू क्लोज डेस्कटॉप ओपन द टास्क व्यू पेन एंड होवर द माउस ओवर द डेस्कटॉप यू वॉन्ट टू क्लोज, क्लिक ऑन द क्लोज बटन प्रेजेंट एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप थंबनेल्स। आप चाहते हैं कि जो भी हम डेस्कटॉप जो खोले थे उसको बंद करना हो तो वहाँ पे यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। जो टॉप ऊपर में जो थंबनेल फॉर्म जो था वहाँ पे ऊपर में क्लोज का जो साइन रहता है उस पर क्लिक करके आप वहाँ से उसे क्लोज कर सकते हैं आसानी से। अब स्टूडेंट्स फिर हम पार्ट टू बनाएंगे इसका, अभी इतना ही क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा होता है, डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। फिर इसके बाद हम पार्ट टू में आपको इसके बाद वाला में हम दिखा बात करेंगे पढ़ेंगे।